वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये भगवती प्राण सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 5 के हिंदी विषय में चित्र पाठ 1 यातायात पढ़ाऊंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। विद्यार्थी मित्रों, यातायात किसे कहा जाता है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल करते हैं उस साधन को यातायात कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक चित्र बताया गया है जिसमें कई सारे यातायात के चित्र के साधन बताए गए हैं, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर और रेल का चित्र बताया गया है। ये सभी चित्र यातायात के साधन हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में जो साधन है मोटर कार, साइकिल, स्कूटर, ये तीनों साधन सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन है। और यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, ये दोनों आकाश मार्ग से जाने वाले यातायात के साधन है। और हाँ, यहाँ पर एक और भी चित्र बताया गया है, जैसे कि रेल। रेल एक पटरी पर चलने वाला यातायात का साधन है। इसमें एक से अधिक लोग इसमें सवारी कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ सड़क के पास एक बगीचे का चित्र भी दिखाई दे रहा है। इसमें कई तरह के अलग अलग रंगों के फूल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गुलाब, गेंदा, गुड़हल, चंपा, जैसे अलग अलग रंग के चित्र दिखाई दे रहे हैं। और इस अलग अलग रंगों के फूलों के वजह से ये बगीचा और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में और भी कई चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ बच्चे बगीचे में खेलते दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे बगीचे में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ बच्चे बगीचे में झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बच्चे को खेलते देख बगीचे का चित्र और भी सुंदर और प्यारा दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में से हम कई प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न 1, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो यहाँ चित्र में जो फूल है वो है गुलाब, चंपा जैसे फूल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ चित्र में जो फूल नहीं है वो है कमल, मोगरा, बारमासी जैसे फूल इस चित्र में नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक दूसरा चित्र बताया गया है। इसमें भी कई सारे यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रिक्शा, बस, नाव, जहाज जैसे चित्र यहाँ है। ये सारे यातायात के साधन हैं। विद्यार्थी मित्रों, बस में हम एक से अधिक लोग इसमें सवारी कर सकते हैं और रिक्शा में एक या तीन लोगों हम यहाँ इस रिक्शा में सवारी कर सकते हैं।
सड़क के पीछे एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें दो यातायात के साधन बताए गए हैं, जैसे कि नाव और जहाज। नाव और जहाज दोनों यातायात के साधन जल मार्ग से जाने वाले यातायात के साधन है। नदी के पास यहाँ तीन पेड़ दिखाई दे रहे हैं और इसके पास एक घर दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस चित्र पर से कई प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न तीन है, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, हमने अब तक दो चित्र देखे हैं, तो इस दोनों चित्र में से हमें जो यातायात के साधन देखे उस साधनों का नाम बताना है। तो इस चित्र में जो साधन है वो है साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, हवाई जहाज, रेल, हेलीकॉप्टर, रिक्शा, बस, नाव और जहाज जैसे चित्र यहाँ यातायात के साधन में दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न चार, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, इस दोनों चित्र में से जो यातायात के साधन यहाँ नहीं दिखाई दे रहे वो है तांगा, ऊंटगाड़ी और बैलगाड़ी जैसे चित्र इस दोनों चित्र में नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या शेयर कीजिए।